दोस्तों बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ट्रेन में बिना टिकट के पकड़े गए थे और इस घटना से बाबा जी का बहुत मजाक उड़ाया गया है। लेकिन बिना टिकट के पकड़े जाने के बाद टीटी के साथ जो किया उनके मुंह से सुन लीजिए। लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर। नंबर 2, दोस्तों एक बार रजत शर्मा धीरेन्द्र शास्त्री को पूछा, इस देश में बहुत सारे बालाजी का भक्त है, मंगलवार से लेकर शनिवार तक मंदिर में जाते हैं, लेकिन हनुमान जी आपको क्यों पकड़ रहा? जवाब में जो बात कही है वो आप जरूर सुनना चाहिए। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी, लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए। नंबर 3, हम जो हलवा खाते हैं वही हलवा दूसरे देश में अपने नाम से बेचा जाता है। पूरा समझने के लिए इस वीडियो क्लिप को देखिए। एक मुसलमान पढ़ा लिखा जाहिल, वो कहता है हलवा इस्लाम ने इजाद किया। हलवा किससे बनता है? हलवे के मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो पहला है दूध, तो हलवे में दूध पड़ता है, दूध तो रेगिस्तान में होता नहीं, और ऊंट जो देता है दूध बूंद उससे काम चलता नहीं, और फिर है घी, तो घी तो दूध से ही बनता है ना, उसमें शक्कर, ये भी उर्दू वर्ड है, ये भी वहां से आए थे, ऊंट की पीठ पे लटका के। शक्कर काहे से पैदा होती है? गन्ने से। गन्ना देश में भारत में होता है या क्यूबा में होता है? दूध भी हम दें, घी भी हम दें, शक्कर भी हम दें, वो जाहिल कहते हलवा वहां से आया। नंबर 4, मोदी जी ने जनता के सामने यह कहा कि हम इतना पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन इस बात ने केजरीवाल ने जो रिप्लाई दिया वो जरूर सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए, मगर क्यों? अभी पता चलेगा। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। वो कैसे? कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली भिजवाओ, जो तिरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा।